भाई जी, ठीक हो? बहुत वधिया। आ जाओ आ जाओ, तो गड्डी आप बाद चो पहले चाह ले लें। आप आज तुम हाँ हाँ तुम एक करी जैक लाओ ये। कोई नहीं कोई नहीं, हूँ आ टायर से पिछे अगे ए चल। हाँ चल जी, उपर थले है ना टक टक की आवाज, उही चीज देखनी है मैं। वो पता 19 तो जाऊगी, जे हाथ ज्यादा जाऊगी फिर असं वो मैं कर दूंगा, वो कोई चक्कर नहीं, घबराने वाली गल। करवाइए जो उसकी डंडे मतलब केम होती है ना, जिसमें रैचिट चलता है, शायद उसके दांतों में दिक्कत हो रही होगी। घुमाई रहा हो, दल गया 2 लीटर सारा। हाँ ये 1 मिनट टायर है ना, तुसी 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 ये हाँ हाँ तुसी ये करी जैक लाओ ये। कोई नहीं कोई नहीं, हूँ आ टायर से पिछे अगे भाई, आ भी टायर थोड़े ना, ये मैं टायर लुआना थोड़े सही करके, थोड़े टायर की पोजिशन गलत लगी भी तुसी, फिर मैं दसूँगा थोनू की करना, थोड़े टायर हो जाएंगे सही। अंदरों अंदरों ये कराने तो पहला दी गल है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है। तुसी जैक लवाओ विचाले है ना, एक करी जैक लाओ विचाले। हाँ ला दो इतनी ला दो, जगरा ही है फिर। हेलो भाई जी, ठीक हो? बहुत वधिया। आ जाओ आ जाओ, तो गड्डी आप बाद चो पहले चाह ले लें। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चल। हाँ चाल तो हैगी है, हैगी। आ जाओ उस साइड, आ उतले पास खड़े हो। फिर तुझे चलो कोई नहीं, लिया कर भी पिन स्टार्ट कर। ये चल चाल तो हैगी है। सेम ही है, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। हाँ 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 मैं देखता हूँ, ले आंदा कोई नहीं। नहीं 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 घट वाद नहीं, ये प्रोपर जी, एक एक बोझ। हाँ जी हाँ जी, ये तो हैगा ही है, कोई चक्कर नहीं, वो सारा कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। उधर गैप ज्यादा होगा, ये तो चीज ना जो काम आप करते हैं पूरा 1 मिनट प्रोपर हो। हाँ बहुत चीज है इधरले पास, ये कमाणियां ए जी विचालिया कमाणियां ना, इन्हें सेंटर बोर्ड मैं करूँगा सही, ये सैट हो जाऊ गई, कोई चक्कर नहीं। लेकिन वो घोड़े ने इधर करते जी, ये जी आ ना आ जी शीद है, वह देखो अंदर, इधर 2 उंगलां उधर 1 उंगला, ये सैट हो जाऊ कोई चक्कर नहीं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया ही होंगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये 12 चक्की गाड़ी है टाटा की, और ये स्पेशल पंजाब से हमारे सब्सक्राइबर स्पेशल गाड़ी लेकर हमारे पास आए हैं। तो सीन क्या हुआ दोस्तों, सब आपको मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी ट्रक से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हुआ क्या, ये सर ने, ये ड्राइवर साहब ने, इन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया, अब पता नहीं कहाँ करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रंट एक्सल करवाने के बाद स्पैंडलों में आपने चाल भी देखी दोस्तों, चाल होने का मतलब नहीं है, हुआ चलो एक आधी साइड, लेकिन वो भी 2-4 महीने के बाद, लेकिन ये तो अभी 15-20 दिन पहले ही इन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे इसमें दिक्कत दिखी है, चलो कह रहे टायर की थोड़ी सी कम हुई है खाने की दिक्कत, लेकिन स्पैंडलों में चाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एक्सल कराने का मतलब स्पैंडलों में चाल नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी फ़िलहाल लाइन चेक कर रहा हूँ, और दोस्तों लाइन में बहुत फ़र्क निकला, तो लाइन तो इसकी मैंने कर दी दोस्तों, फ्रंट एक्सल से तो टायर खाती खाती है, और अगर लाइन आधा एक मतलब कम से कम 1 सूत 2 सूत का भी फ़र्क रह जाए ना,
तो लाइन टायर उधेड़ के रख देगी। अब ये भाई हमारी मतलब हमारे ऊपर इतनी दूर से गाड़ी लेकर आए हैं, स्पेशल पंजाब से है, यूपी लेकर आए हैं गाड़ी, तो किसी वजह से लेकर आए होंगे, हमारे पर विश्वास करा हुआ, तो हमें भी बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ इनको काम करके देना है। तो मैंने इनके भाई को कहा मैं पहले लाइन चेक करूँगा और इसके जो रिम वगैरह हैं वो भी मतलब उलट सुलट लगे हुए हैं, उसमें मुझे भी सही नहीं लगा, तो आगे पीछे कराने पड़ेंगे। गाड़ी इनकी जंप करती है, आगे हम ट्राई भी लेंगे गाड़ी की, तो मैं खुद जाऊंगा एक बार। तो मैंने भाई को कहा है पहले हम लाइन चेक करते हैं, फिर मुझे एक बार ट्राई दिलवा के आना, मुझे दिखाना। तो डब 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 की आवाज़ है, तो उसमें रिम की प्रॉब्लम है, तो रिम भी इनके चेक करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा लाइन चेक कर दो, उसके बाद गाड़ी चेक करने चलेंगे, फिर उसके बाद रिम करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी को तैयार करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों पहले भाई मैं आते ही फ्रंट एक्सल खोल दूँ भाई टायर खा रही है, नहीं, पहले हम अपना काम वो करेंगे जिससे भाई की संतुष्टि हो और हमारा भी मतलब देखने में पता लगे हाँ भाई क्या क्या चीज़ में क्या कमी है। अब कई क्या करते हैं, हाँ जी टायर खा रही है फ्रंट एक्सल खोल लो, टायर खा रही है डंडा खोल दो, टायर खा रही है ये खोल दो, नहीं दोस्तों पहले काम वो करो जिससे कोई अगर पता लगता है, कई बार छोटे से काम से ही मतलब टायर सही हो जाते हैं। तो लाइन में अगर फॉल्ट है तो लाइन करो, लाइन से कम 70-80% लाइन से टायर सही हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम गाड़ी चेक करने चलते हैं ड्राइवर साहब के साथ, तो फिर देखते हैं ड्राइवर साहब क्या कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों एक चीज़ और बतानी भूल गया, मतलब इन ड्राइवर साहब की गाड़ी में ना मतलब ये जो टायर लगे हुए हैं ये सारी गलत पोजीशन में लगे हुए हैं। आगे तो मैं करा ही दूंगा, पीछे के भी आपको मैंने दिखाए टायर, मतलब टायर गलत पोजीशन में। देखो अगर कोई हमारे पास आया तो उनको मैं बताऊंगा भी टायर किस तरह लगाने हैं। मैं 80-90% टायर में पोजीशन से ही सही कर देता हूँ दोस्तों, मतलब जो ड्राइवर भाई है ना, कई बार हमारे से गाड़ी मतलब टायर की मैं पोजीशन बताता हूँ तो वो उनके टायर बिल्कुल सेट हो जाते हैं, 80% टायर पोजीशन से ही सही हो जाते हैं। काम तो बहुत दूर की बात है, काम तो अगर कोई कमी है तो वो निकाल देंगे, नहीं तो 70-80% टायर पोजीशन से सही हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे भाई के साथ गाड़ी की ट्राई लेने। तो भाई कह रहे हैं कि गाड़ी डब 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 की आवाज़ आती है ड्राइवर साइड से, तो वो भी देखते हैं जैसा भी है, और रिम भी चेक करेंगे वो बाद में, लेकिन पहले देखते हैं क्या होता है। इस फ्रेंड की चाल आओ, ओ नहीं वो जी ऊपर थले करी है ना हाथ, एक मिनट रोक जाओ मैंने देखना, चलो 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 देख के ऊपर, ये जी ऊपर थले है ना टक टक की आवाज़ वही चीज़ देखनी है, मैं वो पता लग जूगा। लिफ्ट उत्ते है थले की है, मैंने विचार ले जोड़े जी हवा भी घट लगती है मेरे अली। खिचना खुचना बंद है ग ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਵੋਂਗੇ, ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲੈ ਲਓ ਅੱਗਿਓ ਅੱਗਿਓ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਲ ਹੋਊਗੀ 19-21 ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा तो फिर एडजस्टिंग की दिक्कत है, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं कोई नहीं देख लेने। तो दोस्तों जैसा कि मैं भाई के साथ ट्राई पर गया तो भाई ने बताया कि 4 महीने पहले एक बोलेरो के साथ मतलब वो बीच में आके लगी और इनकी गाड़ी डिवाइडर में लगी, तो दोस्तों उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। अब इन्होंने भाई ने जिससे 15-20 दिन पहले महीने पहले कोई लगभग फ्रंट एक्सल करवाया जिससे भी, अब उन्होंने पता नहीं दोस्तों जब फ्रंट एक्सल लगता है ना तो थोड़ा बहुत ऐंठ आना लाजमी है फ्रंट एक्सल के अंदर, तो हमें नहीं पता
उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, ये तो खोलने के बाद ही पता लगेगा। चलो खैर कोई बात नहीं है, मैंने इसके रिम खुलवा लिए हैं दोस्तों, और रिम खुलवाने के बाद रिम दोनों चेक करूंगा। देखो दोस्तों, ऊपर नीचे की डबक तो निकलेगी नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो साइड की होगी, साइड की डबक निकल जाएगी, तो भाई को जो सही रिम होंगे वो आगे लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, रिम की प्लेट जो होगी ओरिजिनल रिम आगे चलेंगे कभी भी, ये सिर्फ एक बात ध्यान रखना, बहुत नोटिस करने वाली बात है। हर लोग मतलब ओरिजिनल रिम लगाते हैं जिनको पता है, फ्रंट एक्सल मतलब अगले दोनों टायर ओरिजिनल रिम के होने चाहिए, प्लेट ओरिजिनल प्लेट के, मतलब लगी हुई प्लेट जो वेल्डिंग करी हुई प्लेट होती है ना, जो क्रैक होने के बाद हम प्लेट लगाते हैं रिम की प्लेट, वो पीछे लग जाएगी, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं चलेगी, आगे ओरिजिनल चलेगा। तो ये देखिए, ये एक दूसरा रिम है, ये भी ऐसे ही है, तो इसको तो हम चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे भाई बता रहे थे कि गाड़ी ना ब्रेक मारने के बाद कंडक्टर साइड भागती है, तो मैंने भाई को कहा ये आपके रैचिड में जो एडजस्टर होता है ना, जिससे हम ब्रेक एडजस्टिंग करते हैं, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, या ब्रेक मतलब ब्रेक से सिस्टम में दिक्कत है। अगर ऐसे नहीं भागती गाड़ी, ब्रेक मारने पे एकदम इधर भाग रही थी, तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा ये ब्रेकों की एडजस्टिंग की दिक्कत है। और जो गाड़ी डब 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 कर रही थी, तो दोस्तों वो मैं रिम जो है जो ड्राइवर साइड का, वो मैं करवा रहा हूँ पीछे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिम में जो डबक होती है ना, वो रिम में डबक निकलती नहीं है, साइड वाली तो निकल जाती है फेस होने के बाद, बट जो ऊपर नीचे वाली होती है वो डबक नहीं निकलती दोस्तों, कभी भी नहीं निकलेगी वो। अब पता नहीं इनकी, जब गाड़ी 3-4 महीने पहले ये कह रहे कि गाड़ी जब लगी हमारी डिवाइडर में उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गाड़ी चलाकर देखिए, फ्रंट एक्सल तो बाद की बात है। तो भाई अब दोबारा 5-7 दिन बाद मेरे पास आएंगे, उसके बाद इनका पिछला काम भी देखना है, टूप हैं, घोड़े मुर्गे हैं, वो पीछे भी फ्रेम के साथ मतलब लग रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इससे संतुष्ट होकर जाइए, उसके बाद जब आ गया काम बिल्कुल ओके हो जाएगा, उसके बाद हम आपके अगले चक्कर मेरे पास लाओ 5-7 दिन बाद, जब भी आपका आना होगा, तो पिछला काम जब निपटाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में, अब आपके क्वेश्चन आंसर का भी टाइम आ रहा है, तो वो भी उनके जवाब देंगे हम। तो दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी आपको, जब ड्राइवर साहब गाड़ी, कोई भी ड्राइवर है, जब कोई भी गाड़ी है, चाहे कार है उसमें चाहे ट्रक है, दोस्तों जिधर की साइड टेपर होगा ना, अगर आप हाथ छोड़ोगे तो कंडक्टर साइड अपने आप जाएगी, अगर आपकी कंडक्टर साइड में ढलान है। अगर आपकी ड्राइवर साइड में ढलान है, तो आप स्टेयरिंग छोड़ोगे ना दोनों हाथों से, तो ड्राइवर साइड को गाड़ी जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ये जिधर की साइड ढलान है गाड़ी उस साइड जाएगी। आप कुछ भी करके देखना, बिल्कुल नई चेजिस भी लाओगे ना, तब भी ये दिक्कत होगी। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके जो रोड है ना बिल्कुल सीधे होंगे, फ्लैट होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आपकी फिर सीधी चलेगी बिल्कुल, तो ये इतना घबराने वाली बात नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, चलो आपके क्वेश्चन आंसर का भी दोस्तों जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो आइए। हेलो दोस्तों, तो ठीक है, आपके सवाल जवाबों का टाइम दोबारा आ गया है, तो पहले हमारे भाई लेते हैं अजय पाल सिंह गरेवाल, तो वो लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, अजी जी तुहाडे वीडियोज़ दी वेट होने लग पई है हर रोज़, सुपर दिल लगता है वेख वेख के, कंटिन्यू दिस वर्क, गुड वर्क फॉर एवर। तो अजय पाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो को आप इतना प्यार देते हैं, तो आई होप मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, आपको सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल, कोई दिन ऐसा हो जाता है कई बार टाइम नहीं लग पाता एडिटिंग का, तो मैं वीडियो रोज डालने की कोशिश करता हूँ, कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कहीं इमरजेंसी की तरह बाहर अंदर कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो एक दिन मिस हो जाता है, नहीं तो मैं रोज डेली व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अगले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मिलन डेका जी, तो ये लिखते हैं वीडियो बहुत अच्छा है पाजी, और आपके गुरुजी मतलब पापा जी को बोलना मेरी तरफ से प्रणाम। सर बोल दिया था, मैंने पहले ही बोल दिया था, आपकी कमेंट पढ़ते ही बोल दिया था, आसाम से ढेर सारा प्यार, और आपको भी सर बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, थैंक यू सर। और अगले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अजीत सिंह यादव जी, गुड मॉर्निंग पाजी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आलम भाई हमें दिल नमस्ते भेज रहे हैं, सर आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सब कुछ। तो अगले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लिखते हैं, अंकित ज्ञानी हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो वो लिखते हैं सर जी
दस चक्का गाड़ी का दो चक्कों का ब्रेक ज़्यादा लगता है, उनकी हर चक्कर में लेदर की सेटिंग चढ़ जाती है, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। उन वीडियो के माध्यम से मैंने प्लास्टिक वाले बुश नए डलवाए हैं, मिस्त्री मेन जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रिचर्ड भी सही बता रहे हैं हर मिस्त्री। तो अंकित जियानी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी ये दिक्कत है, मतलब लेदर अपने आप ही चढ़ जाते हैं एक दो चक्कर बाद। पहली बात तो दोस्तों मतलब अंकित भाई, ये देखने पर पता चलता है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको अगर रैचेट सही बता रहे हैं तो उसके केम चेक करवाइए, जो उसकी डंडे मतलब केम होती है ना जिसमें रैचेट चलता है, शायद उसके दांतों में दिक्कत हो रही होगी, उसके दांत ना खत्म हो रहे हो, तो ये आप जरूर चेक करवाएं, क्योंकि ब्रेक मतलब ब्रेक के ऊपर ही है सारी गाड़ी, अगर ब्रेक सही नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आप चेक करवाएं, आप इसे अच्छे मिस्त्री से चेक करवाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के हम क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो जो हम ये गाड़ी का हम काम कर रहे हैं, तो आइए वहीं पर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्तों इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, इस गाड़ी का हमने अब रिम वगैरह चेक कर दी हैं, और भाई इसके रिम उतार के इसमें फिटिंग के लिए भेज रहा हूँ। तो ये दूसरा रिम है, एक रिम तो हमने कर दिया है और ये दूसरा रिम आ गया है, और इसके बाद इसको भी चेक करके बस लगवाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मतलब ये गाड़ी भाई जो है हमारे, ये जो पंजाब से गाड़ी आई है, ड्राइवर साहब मतलब देखो, अब इन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया, तो भाई मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर जब फ्रंट एक्सल करवाया तो उन्होंने स्पैंडल नहीं निकाले, उन्होंने ऐसे ही फ्रंट एक्सल को प्रेस किया, पता नहीं प्रेस किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो वो भाई मुझे बता रहे थे कि हमने स्पैंडल, वो उन्होंने निकाले नहीं, हमने कहा था कि स्पैंडल निकाल कर चेक करिए, तो जिन्होंने खोला होगा तो वो मिस्त्री ने मना कर दिया था। तो वैसे दोस्तों देखो, आपने हमारी भी कितनी वीडियो देखी होंगी, तो हम जितने भी मतलब फ्रंट एक्सल हो, चाहे कोई डंडा हो, मतलब टूफ हो, मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब उसको पूरा करो, प्रॉपर करो, तो तभी मज़ा आता है दोस्तों। अब जब बिना स्पैंडल के आप प्रेस कर रहे हो तो वो चाल तो रह ही जाएगी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब भाई को मैंने कहा है कि इतनी हल्की हल्की चाल है तो आप गाड़ी चला के देखिए एक चक्कर लगा के, अगर आपके ऊपर वाले ने 90% अगर ऐसे ही टायर आपके सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिम भी मैंने कर दी है, लाइन में भी फ़र्क था और टायरों की पोजीशन भी गलत लगी हुई थी, तो सारे काम आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने सब सेट करवा दिए हैं। तो मैंने कहा सर जी कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो आपके ऐसे ही टायर सही हो जाएंगे। तो टायर मैंने बिल्कुल ओके करके लगवा दिए हैं, और पीछे वाले जो टायर थे वो सारे मैं इनको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लगाने हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, इनकी तसल्ली मैंने करवा दी है। वो पिछले वाले टायर भी इनके खा रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके भी अंदर बाहर मैं करवा रहा हूँ टायर, तो क्योंकि दोस्तों टायरों की पोजीशन गलत लगेगी ना तो ये टायर सही नहीं होंगे। अगर टायरों की पोजीशन सही लगी होगी तो टायर बिल्कुल खाने का मतलब ही नहीं बैठता। अब इसमें मैंने हवा भी चेक कराई थी, थोड़ी हवा भी कम थी, मैंने कहा ये देखिए आप टायरों की पोजीशन, टायर खा रखे हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, तो ये इसमें हल्का सा गियर ऑयल भी कम था, मैंने मिस्त्री को बुला के गियर ऑयल भी पूरा करवा दिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।